वेलकम टू ब्लॉगिंग टेक। सो आज की इस वाली वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि क्लाउड बेस्ड होस्टिंग पे आप कैसे cPanel कनेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं cPanel कनेक्ट करने के लिए FileZilla का यूज़ करूँगा, जो कि एक सॉफ्टवेयर है। वो आगे मैं आप लोगों को सब कुछ बताऊँगा कैसे डाउनलोड करना है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है आप लोगों को। तो क्लाउड बेस्ड होस्टिंग बहुत ही अच्छी होस्टिंग है और बहुत ही एडवांस होस्टिंग है। यहाँ पे हमें cPanel देखने को नहीं मिलता है, बट अगर आपके वर्डप्रेस वेबसाइट में कोई इरर हो जाता है फाइल मैनेजर से, तो हमें cPanel की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें हम अपनी जो भी सारी फाइलें हैं उनका एक्सेस ले सकते हैं। तो फिर चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, कैसे आपको cPanel कनेक्ट करना है क्लाउड बेस पे, वो सब कुछ मैं सारी की सारी स्टेप्स बता देता हूँ आप लोगों को। और क्लाउड बेस अगर आपको परचेस करनी है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप अगर परचेस करोगे तो 3 दिन का आपको फ्री ट्रायल मिल जाएगा, जिससे आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो चलो आज के इस ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको गूगल पे जाना होगा और FileZilla आपको टाइप करना है, ठीक है, FileZilla लिख देना है तो, और एंटर करना है। और यहाँ पे जो फर्स्ट वेबसाइट आ रही है उसको आपको ओपन कर लेना है। अब आप अपने PC के रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से आप FileZilla को डाउनलोड कर सकते हो। तो मैंने ऑलरेडी ये सब कुछ डाउनलोड किया हुआ है, और डाउनलोड करने के बाद आपको इंस्टॉल और ओपन कर लेना है। बहुत ही सिंपल सी प्रोसेस है, ये सब कर लेना। फिर आपको जिस भी वेबसाइट का फाइल मैनेजर ओपन करना है, वहाँ पर आपको आना है एक्सेस डिटेल्स में। यहाँ पे मैं आप लोगों को वेबसाइट दिखा देता हूँ। ये वेबसाइट का URL है और वेबसाइट का लुक कुछ इस टाइप का है। तो ये एक ई-कॉमर्स वेबसाइट बनाई हुई है ऐसे ही। और यहाँ पे मैं अभी आप लोगों को थीम भी दिखा देता हूँ, मैंने कौन सी थीम यूज़ की है, जिससे आप लोगों को एक आइडिया मिल जाएगा कि हाँ, मैं जो फाइल मैनेजर दिखा रहा हूँ ये इसी वेबसाइट का मैं दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे देख लो, WP Ocean मैं थीम यूज़ कर रहा हूँ। तो अब चलो देखते हैं कि कैसे हम लोगों को फाइल मैनेजर में कनेक्ट होना है। तो यहाँ पे पब्लिक IP आपको कॉपी करनी है और फाइल मैनेजर के होस्ट पे जाना है, और आपको यहाँ पे जो आपने पब्लिक IP कॉपी करी है उसको पेस्ट कर देना है। अब आपको वापस वहीं पे जाना है एक्सेस डिटेल्स में। आपको यहाँ पे यूज़र नेम टाइप करना है, आप कोई भी यूज़र नेम दे दो, और यहाँ पे एक पासवर्ड दे दो। यहाँ पे पासवर्ड का रिक्वायरमेंट देख लेना, किस टाइप का ये पासवर्ड कन्फर्म करते हैं। तो यहाँ पे सब कुछ करने के बाद आपको ऐड पे क्लिक कर देना है, ऐड बटन आ रही है। तो यहाँ पे थोड़ा टाइम लगेगा, ये जो चीज़ है वो आपकी क्रिएट हो जाएगी। तो तब तक आपको क्या करना है, फाइल मैनेजर में वापस से ओपन हो जाना है, और जो भी आपने डिटेल्स फिल करी थी यहाँ पे, वो आपको FileZilla में पेस्ट कर देनी है। तो यहाँ पे यूज़र नेम में मैं यूज़र नेम डाल देता हूँ, तो मैंने ब्लॉगिंग रखा था यूज़र नेम, तो ब्लॉगिंग डाल देता हूँ। और पोर्ट में आपको याद रहे 22 लिखना है, ठीक है। अब आपको वापस जाना है एक्सेस डिटेल्स में, और यहाँ पे आपका जो पूरा कंप्लीट सेटअप हो गया है, अब आपको पासवर्ड कॉपी कर लेना है। पासवर्ड वहाँ भी आप टाइप कर सकते हो, बट मैं यहाँ पे सीधा कॉपी कर लेता हूँ। तो यहाँ पे सब कुछ कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे आपको क्विक कनेक्ट पे क्लिक करना है। तो जैसे ही क्विक कनेक्ट पे क्लिक करोगे, तो यहाँ पे साइड में आपको सारे स्टेटस शो करने लगेंगे कि आपका जो वर्डप्रेस होस्टिंग है, जो वर्डप्रेस की वेबसाइट है, वो आपकी कनेक्ट हो गई है। अब आपको पब्लिक HTML में जाना है, और यहाँ पे आप सारी फाइल की एक्सेस ले सकते हो। तो यहाँ पे मैं WP एडमिन फोल्डर में चले जाता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो, जो भी आपकी फाइलें हैं वो यहाँ पे आ गई हैं, और यहाँ से आप ऊपर से बैक भी कर सकते हो। तो अभी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, यहाँ पे मैंने जो WP Ocean थीम बताई थी, वही मैं थीम यहाँ पे वही उसी थीम की फाइलें यहाँ पे दिख जाएंगी। तो यहाँ पे देख लो, WP Ocean थीम है, और साइड में 2020 थीम और थी, ये देख लो 2020, तो वहाँ पे भी 2020 थीम है। तो इस तरीके से आप अपना जो cPanel है उसको कनेक्ट कर सकते हो। बहुत ही इजी प्रोसेस है, बस आपको पोर्ट का ध्यान रखना है। यहाँ पे पोर्ट आपको 22 लिखना है, और गूगल से आपको FileZilla को डाउनलोड कर लेना है, और कोई भी प्रॉब्लम हो उसको कमेंट सेक्शन में लिख देना है। और अभी तक यार सब्सक्राइब नहीं किया हो तो यार सब्सक्राइब भी कर लेना। सो क्लाउडबेस के फ्री ट्रायल के लिए मैंने लिंक को डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से अगर आप जाते हो तो आप 3 डेज़ के लिए फ्री ट्रायल ले सकते हो क्लाउडबेस का। और क्लाउडबेस के सेटअप के लिए मैंने एक पूरी की पूरी सीरीज़ बना दी हुई है, उसमें मैंने आप लोगों को बताया कि कैसे आपको क्लाउडबेस पे वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है, और उसके बाद कैसे आपको डोमेन कनेक्ट करना है, और कैसे SSL सर्टिफिकेट इंस्टॉल करना है। और लास्ट वीडियो थी इस ये वाली कि कैसे आपको cPanel में कनेक्ट होना है क्लाउडबेस के। तो क्लाउडबेस की पूरी सीरीज़ कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको अभी भी कोई डाउट हो उसको आपको कमेंट सेक्शन में लिख देना है, या मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल की, तो वहाँ पे जाके आप मुझे मैसेज कर सकते हो। मेक श्योर मैं आप लोगों की हेल्प कर दूंगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।